नमस्ते दोस्तों, आप लोग फिर से आ करता हूँ शेयर के बाजार में और ये वीडियो मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ साकिक भाई के लिए, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा शेयर चाहिए जो अच्छा खासा रिटर्न दे। तो साकिक भाई, ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं बता दूं, मैं जिस शेयर के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैंने कहा है थंबनेल में भी लगा कि जिंदगी भर ये पैसा देगा और अच्छा खासा इसने दिया है, मतलब 12-13 रुपये का डिविडेंड इसका पर शेयर पर रहता है। और जहाँ तक इसकी अर्निंग्स की बात है, और ये काफ़ी अंडर परफॉर्मेंट है अभी के टाइम पे, काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया। मैंने पिछले बजट में भी इसमें सजेशन दिया था, लेकिन अभी कुछ इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्शन से पहले आप इसे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बोनस ने कब दिया, 2017 में 1:1 है। तो शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये महिंद्रा शेयर है, लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि ये काफ़ी महंगा शेयर हो रखा है, 600-700 के आसपास ही बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम तक इस रेट पे भी रहा है। मैं मानता हूँ पिछले साल भी मैंने इसके लिए बजट में राय दी थी कि ये महिंद्रा शेयर को ले लीजिए, लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न मैं मेन आपको बताने वाला हूँ कि किस रेट पे आप लोगों को लेना है। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने जब बजट के आसपास बताया तो अगस्त में 900 के आसपास भी गया था शेयर, लेकिन अभी भी ये वहाँ पे इलेक्शन के बाद परफॉर्म करेगा 1000 रुपये के आसपास और ये डबल भी होगा इसका रेट के हिसाब से। इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं थोड़ा मैं स्टार्ट में बता दूँ कि 1945 में कंपनी स्टार्ट हुई, लार्ज कैपिटल कंपनी, 86,377 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, बहुत ह्यूज अमाउंट है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑटो कार सेक्टर्स में। तो इससे ये दिखाता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा बैकेबल में इसका ये सारा चीज़ें चलती है, 1945 से चल रही है। और जैसे कि आपको बताओ, ऑटोमेटिक में 66% के आसपास में और फार्मा सेक्टर्स में 38%, मतलब इनकी ऑटो में आ जाता है, आपके जीप कार आ जाती है और फार्मा में आ जाते हैं, इनके ट्रैक्टर आ जाते हैं, अनदर्स इनके और जो फंक्शंस हैं उसमें वो काम कर रही है कंपनी। तो अभी मैं आप लोगों को जो मैं बताया था कि डबल में कैसे होने वाली है, तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो इसमें मैंने टेस्ला का लिया है, तो टेस्ला से आप ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए जानी जाती है, तो वैसे ही महिंद्रा इसमें काम कर रही है 3 सालों से, और वो भी हमारे इंडिया में करना चाह रही है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज कर सकें। इसके पीछे न्यूज़ भी आई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंसर मोटर महिंद्रा कोरियन यूनिट टू बूस्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस विद अराउंड 1 बिलियन वॉर्ड चेस, मतलब ये अभी कंपनी स्टार्ट करने वाली है। प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर प्लेटफॉर्म इन लॉन्ग टर्म, ईवी वेस्ट ऑफ फ्रॉड प्लेटफॉर्म ऑन अवेल महिंद्रा, मतलब महिंद्रा को टूट पड़ने वाली है इस कंपनी इलेक्ट्रिक में, जो कि फ्यूचर है कंपनी का। और अगर इसमें आप अभी करके रखते हैं तो आपका समझ लीजिए अलग, इलेक्ट्रिक कार्स में अगर ये कंपनी आ गई और ये ऑन ये तो फ्यूचर्स ही है, क्योंकि पेट्रोल पर कोई सर्वाइव नहीं करने वाला, क्योंकि सब इसी पे आने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज हमारी महिंद्रा शेयर को काफ़ी बेनिफिट करेगा जो इसके होल्डर होंगे। तो अभी आप इससे आइडिया तो लग गया होगा कि 640 का 5 कितने हमें अभी चीपेबल प्राइस में मिल रहा है और इसे कितने यूज़ होने में भी, और कुछ 2-4 फैक्टर्स आप लोगों को और दिखाता हूँ जिससे कि आपको लोगों को लगे कि अभी भी अगर मैं शॉर्ट टाइम में इसमें पैसा कमाऊँ तो क्या मैं कमा पाऊँगा कि नहीं, कि ये जो 684 का जो रेट जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे इस पर पैसे अर्न होंगे कि नहीं शॉर्ट टाइम के लिए। तो बिल्कुल आपको अर्न होंगे, इसलिए मैंने आपको कहा इलेक्शन से पहले से जरूर लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ इसका 684 का जो रेट जो चल रहा है और इसने कितना परफॉर्म किया, 3 साल में कितना रिटर्न दिया। अभी तो इसका कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन वो इसी रेंज में फंस जाता है, 600-900 की रेंज में रहता है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बनती है कि वहाँ पे 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप अर्निंग कर लीजिए। लेकिन अभी से फिर अब एक बाइंग रेट दी है कारवी वालों ने, स्टॉक ब्रोकिंग वालों ने 818 के इसके टारगेट प्राइस दिए। अगर 818 भी नहीं आता तो 700 भी आते हैं, सॉरी 700-800 की अगर ये आसपास भी करता तो आपको 50-100 रुपये का बेनिफिट ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप जैसे इलेक्शन के बाद इसमें अच्छा खासा अर्न करते 100 रुपये के हिसाब से, मतलब आप मान लीजिए कि इसमें आप 10-12% से ऊपर का रिटर्न ले लेंगे 1-2 महीने के अंदर में, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे मैं NSE की वेबसाइट पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे कितनी ट्रेड इसमें बन रही है, ट्रेड इसमें ईजिली बन रही है। देखिए यहाँ पर ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से 12 लाख के आसपास में दिखाया गया, जिसमें से 62% हमारा यहाँ पे लेके गए हैं ये क्या कहते हैं कि कैश मार्केट में, मतलब कि
की डिलीवरी में अपने पास में रखा है 62% मतलब होल्ड करके रख रहे हैं इस पोजीशन पे, तो काफ़ी वो लॉन्ग टाइम के लिए भी रखेंगे तो आपको भी यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक इसमें बाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को कि 684 में इसे लेने, मैं जानता हूँ मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि 684 में और 650 के आसपास में भी ये था, तब भी मेरी निगाहें थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा दो दिन पहले कितने ह्यूज अमाउंट में अभी ख़रीदारी हुई एफ आई इसकी, और ऑलरेडी इसमें एफ आई इसकी काफ़ी होल्डिंग ऑलरेडी है, वो मैं आपको होल्डिंग में अभी दिखाऊंगा और होल्डिंग पैटर्न में। लेकिन अभी मैं नेट सेल पे आ गया हूँ, मार्च 2017 की बात करूँ और मार्च 2018 की, यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाई गई है, 4% सेल्स में इंक्रीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23%। इंटरेस्ट की बात मैं कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट इन्हें अगर लोन पे देना पड़ता है तो इन्होंने अपने लोन्स भी कम किए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाता है इस चीज़ को, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ाए हैं और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करें, तो ये बहुत सुंदर चीज़ दिखाता है कंपनी को। और दो तीन और बहुत अच्छी चीज़ें आगे दिखने वाली है आपको, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है कि आप कैसे करके मार्केट से पैसा कमाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ थोड़ा लास्ट तक जुड़ रहिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ महिंद्रा ही महिंद्रा का कि किस हिसाब से टारगेट प्राइस सेट किए हैं काफ़ी जनों ने, जैसे कि आप देख रहे होंगे कार्बी वालों ने तो बताया था, फिर उसके साथ हमारा टारगेट प्राइस रखा है, फंडामेंटल दिखाए 42 वीक्स के जितेन गुप्ता जी ने और एंजल ब्रोकिंग के अमरजीत मौर्य जी ने और वे टू वेल्थ के जो हैं उन्होंने अच्छा खासा समय दिया है कि 646 के आसपास में, वहाँ पे अपन अपॉर्चुनिटी खो गए चुके थोड़े से 650 के आसपास में मैं भी बाय करना चाहता था, लेकिन अभी से मैंने थोड़ा 680 के आसपास में से थोड़ा सा बाय किया है, और यहाँ पे यूज अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी है कि 654 के आसपास में, तो इसे जरूर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि इसमें प्लस शेयर का जो दिखाया गया है कि कम से कम इसमें इन्होंने अपने जो प्लस शेयर थे वो भी छुड़वाए हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि कंपनी को वो अपने जो प्लस शेयर है वो वहाँ पे उन्होंने निकाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक और सुंदर चीज़ जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे इनके शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल जो मार्च 2014 में थे, इन्होंने अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाई अप्रॉक्स उसे 50-100% और बढ़ाया 594 के आसपास में किया है, एंड जो उस पर रिजर्व जो इन्होंने कमाए बहुत सुंदर तरीके से कमाए, जो कि दिखा रहा है कि 30,000 करोड़ के आसपास में रिजर्व इनका रहता है। तो मैं कंपनी में किसी में भी आता हूँ और मैं रिजर्व्स देखता हूँ एज कंपेयर करता हूँ उसके शेयर कैपिटल के आसपास से, तो वो काफ़ी अगर 50 टाइम्स अगर उससे ज़्यादा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उस कंपनी में होल्ड करने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो यहाँ पे अच्छा खासा रिजर्व से कंपनी ग्रो के लिए अगर उसे कुछ भी फंड की अगर दिक्कत पड़ेगी तो वो यहाँ से यूज़ कर सकता है उस फंड को। और रही बात इसके अगर दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखाया है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी इन्होंने थोड़ी सी कम की है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज़ वो थोड़ी सी इंक्रीज है, लेकिन ओवरऑल इसके पास रिजर्व अच्छा खासा पड़ा है 30,000 करोड़ के आसपास में, तो लायबिलिटीज़ अपनी दूर कर ही लेगा। और जहाँ तक मैं इसके शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहा था कि अभी आप इसका स्लैब देख रहे होंगे, मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट नहीं दिखाता, वहाँ पे आप कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आप एडवांस टेस्ट चार्ट में देखेंगे तो ये 650 के आसपास सबसे बॉटम में 650 के आसपास से कहीं नहीं भागा है सिर, और ये भाग रहा है फिर यहाँ से आपका 800 का लेवल काफ़ी अच्छे टाइम तक इसने मेंटेन करा है, तो अब भी आप 700 के रेंज में भी आप लोग को मिलता तो यहाँ पे आप बाय करना है स्टार्ट ही क्या है, मतलब ले लीजिए इसी रेट में तो बेस्ट रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया से अभी जो 3 डिजिट में जो ट्रेडिंग कर रहा है अभी से 4 डिजिट होने में इलेक्शन का टाइम दीजिए, अगस्त का टाइम दीजिए, तो वहाँ से डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, 1000 के आसपास में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, फिर वो उसका एक स्लैब बन जाएगा 1000 के आसपास से, फिर ये आपको इतने रेट में नहीं मिलेगा। तो ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप बाय करके रखें ऐसे शेयर को जो इतना पोटेंशियल कर रहा है, और जैसे कि आपने इसका कॉम्पिटिटर देखे होंगे मारुति सुजुकी, वो 7000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अगर अप्रॉक्स इसका भी कर दिया जाए तो 7000 नहीं तो कम से कम 2000 के आसपास तो ये ट्रेडेड वैल्यू करेगा अपने जो ये फंक्शंस कर रहा है सारी की सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रिक मोटर्स आने से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यूज अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में अपने आप को दिखाने की, कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यही थी मेरी छोटी सी रिपोर्ट इसके ऊपर, मैं
जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सरप्राइज आप लोगों के लिए होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करके रखना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। लाइव स्ट्रीम के दौरान आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको चार्ट में आना है, अपने शेयर के बारे में बताना, वो मैं यहाँ पर फीड करूँगा और मुझे लगेगा कि ये शेयर में पोटेंशियल है तो उसे परचेज किया जाएगा और फिर उसका हम बाय टारगेट और सारी चीज़, मतलब हमारी कम्युनिटी बनेगी शेयर के बाजार की, जिससे कि आप यूजर मोटी से पैसे कमा सकते हैं।